द टॉपिक दैट यू सिलेक्टेड इज मेघालय और उसके महापुरुष एक अनूठी संस्कृति नाउ यू कैन स्टार्ट मैम सबका नमस्ते विप्लव जी ने मेरा परिचय कर दिया है तो मैं डायरेक्टली अपने टॉपिक में जाऊंगी अपने टॉपिक में बात कर लूंगी जो तो आज का मेरा विषय है वो है मेघालया उसके महापुरुष और उसके आ, अनुठी का अनूठी संस्कृति मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है फिर भी मैं कोशिश हिंदी में बात करने के लिए तो सबसे पहले आ, मुझे मेघालय के बारे में बताना है मेघालय का परिचय करना करना चाहूंगी आप सबके सामने कि मेघालय जो है वो भारत के उत्तर पूर्व राज्य में से एक बहुत ही सुंदर और वैभवशाली राज्य है मेघालय को मेघालय का अर्थ है कि मेघों का आलय और यानी नहीं तो उसको हम लोग सिंपल वर्ड्स में बादलों का घर कह है सकते हैं इसे स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट से भी जाना जाता है मेघालय का नाम आ, एसपी चतरजी प्रोफेसर एसपी चतरजी ने दिया था उन्होंने आ, मतलब सोच समझ के एक संस्कृत नाम दे दिया है मेघालय करके तो जैसे उसका नाम वैसे ही उसका सुंदरता और उसका इन्हें हमारे मन को एकदम मनमोहित कर देते हैं अट्रैक्टिव हो जाते हैं इट्स वेरी इम्प्रेसिव उसका नाम से ही हमें बहुत अच्छा लगता है तो यहाँ के मुख्य रूप में खासी जैंतिया गारो पनार भौई वार जनजाति समुदाय के लोग ज्यादा रहते हैं बाकी तो है हिंदू सिख बुद्धिस्ट और मुसलमान भी है मेघालय में जो रह, आ, रहने को आए हैं और यहाँ सेवेंटी फोर परसेंट जनसंख्या वो ईसाई uh, हो गए हैं और उन्होंने अपने धर्म परिवर्तन कर दिया है उन्होंने क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट कर लिया है बाकी की सिर्फ आठ सात या आठ uh, पर्सन ही बाकी है जो स्वधर्म के लोग हैं जो अपना संस्कृति अपना परंपरा को uh, फॉलो करते हैं यहाँ लोग अंग्रेजी यहाँ लोग अंग्रेजी Uh, अपना लोकल लैंग्वेज खासी चंतिया गारो ये भाषा बोले जाते हैं और क्योंकि हमारा बॉर्डर बांग्लादेश के साथ है और आसाम भी है तो आसामीस भी बोलते हैं और uh, बांग्लादेश बांग्लादेश भाषा भी बोलते हैं बांग्ला भी बोलते हैं लेकिन हिंदी तो बहुत कम लोग जानते हैं बहुत uh, मतलब इतना संपर्क नहीं रहता तो इतना अच्छा भी हम लोग ठीक से बोल नहीं सकते हिंदी तो मेघालय जो है वो एक शेड्यूल एरिया है वो सिक्स शेड्यूल के आ, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के सिक्स शेड्यूल में आते हैं तो हर एक हिल्स में जैसे गारो हिल्स खासी हिल्स जेंटे हिल्स ये तीनों हिल्स में उनको अपना अपना डिस्ट्रिक काउंसिल मिल चुके हैं खासी हिल्स में खासी हिल्स ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल गारो हिल्स में गारो हिल्स ऑटोनस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और जैनटिया हिल्स में भी जेंटिया हिल्स ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो अपने आ, परंपरा अपने संस्कृति को प्रिजर्व करने के लिए उसको आ, नर्चर करने के लिए ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दे दिया गया है क्योंकि ट्राइब का अलग अलग संस्कृति है अलग अलग परंपरा हर एक गांव से हर एक क्षेत्र से अलग अलग उनका परंपरा है उनका संस्कृति है और उनका डायलैक्ट्स है उनका असन है हर हर टाइप हर ट्राइब के अलग अलग, अलग परंपराएं हैं तो इसलिए उनको अपने ट्रेडिशन अपने संस्कृति प्रिजर्व करने के लिए वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल उन आ, उनको लिए उनके लिए दिया है तो आ, सिर्फ इतना ही नहीं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सिर्फ उनके ट्रेडिशन को प्रिजर्व करने के लिए नहीं है उसमें कोर्ट्स भी है और हर तरह के जो एडमिनिस्ट्रेट एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है वो सब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में होता है पहले जमाना में आ, हर एक गांव में हेडमैन रहते हैं यानी गांव गाँव के मुखिया और फिर ये रहते हैं आ, राज में सरदार रहते हैं उसके ऊपर में राजा महाराजाओं का एडमिनिस्ट्रेशन होते थे तो अभी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आ गया तो थोड़ा कम हो गया थोड़ा सा उनका एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो है इन लोगों का थोड़ा कम हो गया है फिर भी हम लोग हम लोग उसको प्रिजर्व करने की कोशिश करते रहे हैं और करते रहेंगे आगे भी तो मैं महापुरुष के बारे में बोलने से पहले मैं चाहूंगी कि आप लोग हमारी संस्कृति को पहले समझे पहले हम लोग संस्कृति के बारे में देखेंगे उनका रहन सहन उनका खाना पीना कैसा रहता है हमारे यहाँ मेघालय में सिटी में सिटीज जैसे शिलोंग जवाई हो तुरा हो बकमारा हो और अन्य सिटीज में उनका लाइफ तो मिक्स सोसाइटी हो गया तो उनका लाइफ थोड़ा आ, हर हर सिटीज के हर सिटीज लाइफ के जैसे ही हो गया है लेकिन जो खास हमको अपने परंपरा अपने संस्कृति को जोड़ते हुए और अपनी ट्रेडिशनल लाइफ जो रहते हैं लोग वो खास करके गांव में है तो यदि आपको मेघालय की संस्कृति मेघालय के परंपरा मेघालय के रहन सहन जानना है तो आपको गांव में आके देखना पड़ेगा सिटी में आपको वही सिटी लाइफ मिलेगा जो दूसरे राज्य में मिलता है जो दूसरे एरिया में मिलता है तो, तो मैं सबको विनती करूंगी अगर आप अगर आप मेघालय देखना चाहेंगे समझना चाहेंगे तो आप गांव में जरूर आए मैं भी अभी जहाँ अभी जिस जगह से बोल रही हूँ वो एक गांव ही है एक छोटा सा गांव है थोड़ा सिक्सटी किलोमीटर शिलोंग से दूर है तो मैं गांव की ही रहने वाली हूँ तो मुझे अ मतलब गांव के लाइफ ही ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि मेरे जन्म यही हुआ है तो वो ही अच्छा लगा मुझे हमारे हमारे सबसे अनोखा संस्कृति और परंपरा जो पूरे भारत से हमको अपना अलग पहचान बनाया पूरे भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में हम अलग क्यों है मेघालय का संस्कृति अलग क्यों है हमारी संस्कृति सनातन है और हमने इसलिए अलग पहचान मिला है अल, अलग सा परिचय दिया है क्योंकि खासी चंटिया गरु और बाकी की जो ट्राइब्स है जो यहाँ रहते हैं वो मातृवंशी पद्धति को अभी तक भी फॉलो करते हैं तो पहले मैं आपको समझाऊंगी कि मातृ मातृवंशी पद्धति का मतलब क्या है मातृवंशी पद्धति का अर्थ है कि इस इस पद्धति में किसी का भी भेदभाव नहीं होता बेटा हो बेटी हो लड़का हो लड़की हो, हो कोई भी डिफ्रेंशियर नहीं करते हम लोग कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते भेदभाव नहीं करते बल्कि हम सबको एक समान जैसे रखा है अपना अपना जिम्मे जिम्मेदारियां दिया है जैसे अ लड़की को जो सबसे छोटी बेटी है घर की उसको अपने प्रॉपर्टीज खास करके अपने क्लैन अपने क्लैन अपने जात वो उसकी कस्टडियन रहते हैं और कस्टडियन यानी अभिरक्षक वो उसके कस्टडियन रहती है वो संभालती है वो देखती है और हर चीज मतलब वो घर में ही रहते हैं, वो घर में सबको संभालते हैं आजकल तो मतलब जमाना बदल गए तो अः वर्किंग वुमेन भी है तो घर का काम भी संभालते हैं और अपने प्रोफेशनल काम भी करती है तो थोड़ा थोड़ा उनको ज्यादा बढ़ गया है रेस्पॉन्सिबिलिटी, फिर भी फिर भी अभी तक हम लोग सबसे छोटी लड़की जो है सबसे छोटी मतलब वो माँ बनने के बाद बेटी मतलब एक माँ होती है एक स्त्री होती है तो वो जब बड़ी होती है तो उसके भाई बहन भांजी भांजा सब उसके पास आके सबको एक जैसे प्यार वो देती है सबको एक सम्मान सब अपना ममता निभाती है और इसका मतलब ये नहीं है कि लड़का जो है वो मतलब हम लोग डिफरेंस करते और भेदभाव करते हैं। पर लड़का कभी उनका अलग जिम्मेदारी दिया है लड़का शादी के बाद ज़रूर हमारे घर आते हैं लड़किया के घर में जाते हैं अपने बीवी के घर में जाते हैं लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो अपने क्लैन जो है वो हमको ही देंगे उनका भी अपना अलग स्टेटस है उनका भी अपना टाइटल है अपना क्लैन में ही वो शामिल होते रहेंगे क्योंकि उनका अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उनका वो अपने माँ के घर अपने बहन के घर मामा जैसे बेटा जैसे और भाई जैसे वो अपना जिम्मेदारी निभाता है आजकल हमारे यहां हमारी परंपरा के अनुसार जब भी कोई भी रिचुअल्स कोई भी पूजा नेमिंग सेरेमनी हो डेथ सेरेमनी हो बर्थ सेरेमनी हो और हर प्रकार के जो पूजा रहता है मामा के सेवा हो ही नहीं सकते हर पूजा में उनको आना ही पड़ता है उनका ये जिम्मेदारी है दूसरा जिम्मेदारी है उनका जो है वो अपने पत्नी के घर अपने पत्नी के घर में वो एक पिता सम्मान है बहुत ही बड़ा सम्मान है बहुत ही रेस्पेक्टेबल फैम आ, रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनका ऐसे फादर आपको तो पता है कि फादर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडर्न लाइफ में भी और प्राचीन लाइफ में भी उनका अलग ही है तो ऐसा नहीं है कि हम हमने एक कस्टडियन लड़की को दे दिया है ऐसे कस्टडियन द प्रॉपर्टीज और क्लैन तो उनको कुछ नहीं मिलता लड़का को भी मिलता है उनका जो सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी और उनका जो अपनी माँ की तरफ से जो ऐसे गिफ्ट जो मिलते हैं वो वो उनको मिलता है उनका भी अलग सा डिवाइड किया है उनका भी अपना अपना हक अपना राइट्स मिलता है प्रॉपर्टीज में भी सिर्फ इतना ही फर्क है कि उनको अपने क्लान अपने टाइटल नहीं मिलता दूसरी राज्य की तरह दूसरी राज्य की हिसाब से तो एक बार मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगी कि हमारे मेघालय में हमारी संस्कृति में जो हम महिलाओं को मतलब कस्टडियन बनाते हैं तो उसका एक फायदा जो मैं समाज में देखती हूँ क्योंकि हमारे समाज में बहुत कम लोग बेघर होंगे बहुत कम लोग भीख मांगेंगे क्योंकि उनको पता है कि हम कुछ हम कुछ भी हो जाएं। हो जाएंगे कुछ भी हो जाएंगे हमको लेकिन हम अपने बहन के घर जाएंगे तो वो हमको बाहर नहीं कर सकते वो हमको हमको अपने पास रखेगी हमको अपने पास जितना प्यार मेरी मां ने दिया है वो प्यार मुझे अपनी सबसे छोटी बहन से भी वही प्यार मिलता है तो हर कोई अपने बहन के पास जाते हैं अपने सबसे छोटी बहन के पास जाते हैं इसलिए हमारे यहाँ बहुत बहुत ही आ, कम आ, बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो भीख मांगते हैं जो बेघर होते हैं तो एक और चीज हम हमारे यहाँ ऐसे तो बता दिया था मिशनरी ने कि ट्राइबल्स के लोग खास करके जनजाति के लोग वनवासी उनको ऐसे नाम दिया जाता है कि वनवासी है जंगली है तो उनका कोई भगवान नहीं होता पर मैं ये बताना चाहूंगी कि हमारे भगवान है हम बिलीव करते हैं हम विश्वास रखते हैं भगवान पर और हम हमको पूरा यकीन है कि भगवान है कहीं ना कहीं है लेकिन हम लोग मूर्ति पूजा नहीं करते आइडल्स पर नहीं है हम बाकी हर चीज में भगवान रहता है और हमारे भगवान वो है वो उबले है उबले जो हर तरफ हमको आ, हमको देखता है हमको संभालता है हमको गाइड करता है यह हमारे विश्वास है और ऐसा भी कहा जाता है कि हम लोग अः घोस के पूजा करते हैं कि ए, एविल वार्शिप, देविल वार्शिप, लेकिन हम लोग वो भी नहीं करते मतलब तो अपना अपना आ, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको गुल देवता अपना अपना गुल देवता होते ही है तो हम अपने गुल देवता को पूजा करेंगे तो वो उसको हम उसको आप देविल नहीं कह सकते ना क्योंकि वो तो हमारे गुल देवता है हमारे अः हमारे रक्षक करते हैं, हम उससे मानते हैं, हम उसका पूजा करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम आ, साथ में पूजा नहीं करते तो हम लोग घोस के पूजा करते हैं ऐसा नहीं है हम लोग पेड़ों नदियों उनकी पूजा करते हैं पर इसका मतलब ये नहीं है कि कि वो हमारे भगवान हैं हम उसकी पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमको जीवन देते हैं वो हमको जल देते हैं हमको फल देते हैं हमको खाने को खाने को भी देते हैं तो वो मतलब जीवन इन सिंपल वर्ड्स जीवन ही देते हैं हमको तो इसलिए वो फिर भी हमारे भगवान नहीं है लेकिन हम उसका पूजा करते हैं हम प्रकृति के बहुत ही करीब रहते हैं हम ट्राइबल्स के लोग तो हमारे जो परंपरा है हमारे uh, संस्कृति जो है वो जो सनातन हमको मिलता है uh, दिया गया है वो हमारे सबसे अनमोल विरासत है हम जिसको फॉलो करते हैं अपने ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं वो हमारे लिए इट्स रियली रियली ए वेरी प्रशिष्ट विरासत है और फ्रॉम जेनरेशन टू जेनरेशन हम लोग उसको एक्सेप्ट करते आए हैं हमारे यहाँ मेघालय में हर एक रीजन का हर एक मतलब ऐसे टेरेन रहता है तो एक टेरेन से दूसरे टेरेन से हमारे डायलेक्ट जो है हमारे एसे जो है वो कंप्लीटली डिफरेंट है फिर भी हम लोग एक खासी करके नहीं तो इंग्लिश कर इंग्लिश में हम लोग एक दूसरे से के बात समझ सकते हैं मोस्ट कॉमनली तो हम लोग खासी ही यूज करते हैं खासी भाषा में ही बात करते हैं एक और बात हमारे खासी के लोग में गाना म्यूजिक बहुत पसंद है ये सदियों से चलते आए हैं। हर फेस्टिवल्स में हर प्रोग्राम में उनका अपना ट्रेडिशनल ड्रम्स रहता है अपने आ, जिससे हम लोग सिंह कहते पदिया कहते हैं और नगरा कहते हैं। वो हमारा सदियों से चलते आए और यहाँ के लोग बहुत पसंद करते हैं बहुत मतलब म्यूजिक के दीवाने हैं हम आ, ट्राइबल्स भी हम ट्राइबल्स के लोग मेघालय के ट्राइबल्स तो हमारे अलग अलग आ, फेस्टिवल्स रहता है जैसे घर प्रवेश हो या आ, आपका भूमि पूजन रहता है या फिर अपने जो हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स है अपने जो हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स है उसके लिए भी हम हम लोग वही अपना ट्रेडिशनल ड्रम्स ट्रेडिशनल नगरा वो सब हम लोग यूज करते हैं तो एक हमारी यहाँ जो रहता है वो आ, सबसे खास और सबसे स्पेशल जो है वो एक फावार करके जो हमको अलग मतलब तो वो सुन के ही हमको जोश आता है कि नहीं भाई हमको गाना गाना हमको फावार करना हमको डांस करना वो आ, आ, है वो एकदम क्या बोलते हैं उसको पारंपरिक काव्य रचना के अः उसका अर्थ आ, उसको मतलब पारंपरिक जैसे ही अपने परंपरा से गाते हैं हम लोग मैं चाहो तो आप आपको करके सुनाऊंगी लेकिन बाद बाद में कर लूंगी उसके बारे में तो ये हर गांव में रहते हैं और हर जगह हम लोग जहा भी जाएंगे तो वो फावर हमारे लिए बहुत ही आ, बहुत ही स्पेशल है बहुत आ, बोलते हैं हम बहुत गाते हैं तो पहले जमाने में मैं दूसरे तरफ आ जाऊंगी अभी पहले जमाने में क्या होता था लोग एक पर्वत से दूसरे पर्वत तक बात तो नहीं कर सकते लेकिन वो हमारे यहाँ एक गाना के रूप में एक गाना के रूप में वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, जो हम अभी हम इस जेनरेशन में हम लोग उसको ठीक से समझ में नहीं आते पर जो हमारे दादा पर दादा के टाइम में वो लोग एक दूसरे से मतलब उसी उसी गाना से कम्युनिकेट करते हैं आजकल तो लोग मतलब बहुत कम ही गाते हैं उसके बारे में बहुत कम जानते हैं बहुत कम समझते हैं जैसे कि मैं भी ठीक तरह से अभी तक उसको फॉलो नहीं कर पाती लेकिन इट्स वेरी यूनिक वे ऑफ सिंगिंग और उनका डांस रहता है फिर जब भी खेती में जाते हैं उनको कहना कि चलो हम लोग वापस जाने का समय आ गया तो वो सिर्फ एक गाना के रूप में सबको बताते हैं कि चलो हो गया आज के दिन के लिए चलो हो गया हम लोग कल मिलेंगे हम लोग वहां वहां मिलेंगे उनका एक पॉइंट रहता है जो मिलने के लिए जाते हैं तो वहां पर वो उसी गाना के रूप में कह, कहेंगे कि वहां पर हम लोग मिलेंगे फिर साथ में चलेंगे गांव तक ऐसा रहता था तो ये और एक बहुत ही अनूठी है बहुत ही स्पेशल है कि हर जगह भारत में तो हर जगह माँ अपने बच्चे को लोरी सुनाती है हमारे यहाँ जन्म होते ही माँ अपने बच्चे को जब वो लाड दुलार करती हैं लाड प्यार करती है उसको तो उसको नचा के मतलब वो गाना गाती है वो लोरी जैसे ही होते हैं वो गाना गाते वो गाना उसके लिए उस बच्चों के लिए एक आइडेंटिटी बन गया है बन जाता है जब वो बड़े होने के बाद भी लोग उसे, उसी, गाना से बुलाएंगे। उसी गाना जब किसी ने गुनगुनाया तो उसको पता चल गया कि हाँ उसने मुझे आवाज दिया ये बहुत ही आजकल के जमाने में बहुत कम देखने को मिलता है पर हमारे खत आर्शन जो है वो सौरा साइड में गाँव है तो उस उस गाँव में अभी तक भी है खास करके जो अभी अभी मतलब पॉपुलर हो गया है तो एक कोंगठ गाँव करके है विस्लिंग विलेज उसे कहते हैं तो ये ये उन्होंने प्रिजर्व किया है और अभी तक भी उनको उसी गाना उसी ट्यून से बच्चों को बुलाते हैं वो चाहे कहीं भी है कहीं भी हो शिलोंग में रहेंगे सिटी में रहेंगे या कहीं कहीं और जाके रहेंगे फिर भी वो अभी तक संभाल के रखा है उन लोगों ने और अपने अपने बच्चे को भी वही वही लोरी जो सुनाते हैं जो गुनगुनाते हैं अपने बच्चे को उसी उसी ट्यून से आवाज देते हैं तो ये अः अभी तक तो बहुत कम है जैसे मैंने बताया है, बहुत कम दिखाई पड़ता है फिर भी ऐसे कई गांव है जो अभी तक उसको संभाल के रखा है उसको फॉलो करके आए हैं हमारे यहाँ कोई मंदिर नहीं है कोई मस्जिद नहीं है कोई गुरुद्वार नहीं है क्योंकि हमारे लिए हमारे घर हमारे मा, हमारी माँ के जो अंगन है चूल्हे के आजू बाजू में चूल्हे के आसपास में हम लोग बैठ के हम लोग बैठ के आ, अपने बड़ों के साथ बातें करते हैं वह, वही पर हमको अपने जो बड़े लोग हैं, जो मामा रहते या पिताजी रहते वो हाथों में दुई तरह दुई तरह एक ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो लोग पहले ऐसे उसको लेते थे बहुत आ, मतलब उनको उनको संस्कार देते देते उनको वो गितार, गितार जैसे है, वो जैसे हैं बजाते है। तो हम लोग ऐसे बैठते थे और वहीं पर हमको संस्कार दिया जाता है हम हम लोग अपने अः दिन आचार्य के बारे में बा, बता देते हो उस वक्त जब साथ में बैठते जब साथ में रहते हैं तो एक दूसरे से कम्युनिकेट हो जाते हैं तो बहुत कम झगड़ा होता है बहुत कम डिफरेंस आइडियाज रहता है क्योंकि हम लोग आके अपने चूल्हे के पास साउथों का वर्ड पे उसमें हम लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं एक दूसरे के आ, समझने की कोशिश करते हैं और इसलिए हम लोग कहीं भी भगवान धोने के लिए नहीं जाते लेकिन क्योंकि भगवान हमारे घर में ही हम ही है भगवान हमारे माँ के घर ही हमारे माँ की जो जो संस्कार जो हमको देते हैं वो उसी उसी से हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है और हम उसको मतलब उसी से संस्कार मिलते हैं हमको तो इसलिए हम लोग कई मंदिर या कहीं और नहीं जानते क्योंकि हम लोग यही कंसिडर करते हैं कि हमारे घर ही हमारे हमारे घर ही एक सेक्रेट प्लेस है एक मंदिर है तो आ, जब कोई अपने नई घर दूसरा कई सदियों से ऐसे चलते आए जब कोई अपने नया घर बन बनाना है तो वो लकड़ी बंबू जो मतलब जो जंगल से लेकर आते थे तो वो काट के वो किसी रास्ता में जाते रख लेते थे तो गांव के लोग जो आते जाते हैं, उसको उठा के उसके घर में जाके रख लेते हैं तो क्या होता है कि जब सारे सामान पहुंच गए सारे लोग पहुंच के उस, उस सारे सामान जो वो घर बनाने के लिए आ चुके हैं घर में पहुंच चुके हैं तो उन्होंने घर बना बनाना शुरू कर दिया जैसे ही वो शुरू शुरू किया बिना किसी को बुला के किसी को बता के हर कोई जो गांव में रहते हैं लोग हर कोई बच्चे बड़े बुढ़े वो सब आके उस घर का साथ में निर्माण करते साथ में बनाते हैं तो उनका घर बनाना एक दो दिन में हो जाता है यहाँ के लोगों तो वो भी उन लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी मर्जी से वॉलंटरीली वो लोग आके एक दूसरे के मदद करते हैं एक दूसरे को जिसको, जिसको घर बनाना है उसको वॉलंटरीली आके मदद करते हैं लोग दूसरा मैं ऐसे थोड़ा मुझे बताते हुए तो दुख लगता है क्योंकि हमारी हमारी भाषा इतने सुंदर डायलेक्ट्स इतना सुंदर अः एसन है हमारा खांसी के गारो के और जनजातिया के पर हमारे ट्राइबल्स में अन्य ट्राइबल्स की तरह कुछ कुछ ट्राइबल्स है जो जिसके पास लिपि है लेकिन हम लोग भी अन्य ट्राइबल्स के तरह हमारा कोई अपना लिपि नहीं अपना स्क्रिप्ट नहीं तो सन 1841 में द ईयर 1841 एक थॉमस जोन्स करके एक मिशनरी है उन्होंने ये रोमन लिपि हमको सौंप दिया उन्होंने हमको दे दिया आपको तो पता ही है क्यों क्यों दिया था ये रोमन लिपि जबकि हमारी खासी भाषा बंगाली में भी लिखते थे लोग 1841 से पहले बंगाली और देवनागरी तो नही, नहीं था शायद उनका मुलाकात नहीं हुआ होगा किसी हिंदी वाले से तो देवनागरी नहीं था आ, पर बंगाली बांग्ला भाषा में और असमीस भाषा में लिखा जा सकता था तो आराम से लिखते थे लोग और कई हमारे जो फिलोसफर्स है वो कई किताब भी कई आ, कविता भी बंगाली और आसामीस में लिखते थे तो लेकिन 1841 के बाद वो जो मिशनरीज है उन्होंने वो रोमन लिपि हमको हम हमारे ऊपर सौंप दिया ताकि वो उनके लिए भी आसान हो जाएगा और हमारे लिए भी आसान हो जाएगा इस तरह हमारे लिपि अभी रोमन है लेकिन जब हमारे ट्राइब्स हमारे ट्राइब से कोई पढ़ने लगे हैं उनको लिखने लगे हैं उनको लिखने आने लगा है तो उन्होंने सिर्फ दो अल्फाबेट्स ऐड किया था वो है एन और यी, ताकि वो हमारे एसेंट के हिसाब से हमारे डायलेक्ट्स के हिसाब से वो मैच कर सके सूट कर सके इसलिए उन्होंने ये ऐड किया बाकी हमारे लिपि में सी नहीं है एफ नहीं है और एक्स नहीं है जेड नहीं है बाकी सब जैसे जैसे रोमन लिपि में है वैसे ही है सिर्फ वो दो एडिशनल है एन और य तो आपको आप आपको तो पता ही है उनका डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की वजह से उन्होंने ये हमको एक लिपि दे दी है एक अल्फाबेट्स की पहचान दे दी है तो उनको अभी भी एक आ, ऐसे माना जाता है कि वो एज ए फादर ऑफ द खासी अल्फाबेट्स उन आ, जोन्स को तो खासी भाषा और खासी लिपि का बहुत सारे प्रसिद्ध और फेमस पोइट्स भी है जैसे कि अपना सोसोथान है वो तो एक बहुत ही बढ़िया हम लोग उसको मतलब किसी, किसी, मिशनरीज़ ने कहा होगा कि लेस देन शेक्सपियर्स तो उनका उनको भी ऐसे टाइटल दिया गया है कि शेक्सपियर्स ऑफ द ईस्ट बाकी बाबूजी बन रॉय है और आ, बहुत सारे लेखक है जो अपने खासी भाषा में अपने खासी अल्फाबेट्स में रोमन अल्फाबेट्स में आ, किताब लिखते थे हम खेलकूद के भी खेलकूद में भी बहुत मशहूर है पर खासी के लोग आ, उसको क्या धनुष में बहुत बहुत अच्छा खेलते थे आर्चरी ही हमारा गेम था जब तक ब्रिटिशर्स uh, नहीं आए थे जब तक फुटबॉल नहीं आते थे जब तक क्रिकेट नहीं आते थे तो आर्चरी आ, वो हमारा सबसे खास और सबसे बढ़िया खेल बहुत बढ़िया अच्छी तरह से हम लोग खेल सकते थे खांसी के लोगों को शिकार करना बहुत पसंद है उनको मछली पकड़ना पक्षियों पंक, पक्षी पकड़ना बहुत उत्तम है उसमें उस काम में तो इसमें दूसरा खेल जो महिलाएं भी खेल सकते जैसे सबके साथ हम लोग खेलते थे एक एक ही कंपाउंड में किसी की कंपाउंड थोड़ा बड़ा हो तो पूरे गांव के बच्चे उसी में जाके खेलते थे एक दूसरे से मतलब तो सबको बुलाते एक साथ ही खेलते थे पूरे गांव में एक छोटा सा कंपाउंड में एक कंपाउंड में हम लोग खेलते थे तो हर प्रकार के खेल रहता था जैसे आ, पकड़ा पकड़ी हमारी खांसी में यबे, यबे काई बोलते, लुका छुपी बोलते हैं हम फिर लिंगोचा माउ पॉइंट बहुत पॉइंट बहुत ही कॉमन है और बहुत ही बढ़िया हम लोग खेल सकते थे फिर को सौत को हिंदी को हिंदी में क्या बोलते वो मुझे पता नहीं फिर आ, नोप नोब एक आ, फल रहता है जो एकदम कड़क है उसका हम लोग आ, खेलते थे फिर याजमा जो पत्थर का हम लोग उठा के जाते थे तो एक एक कंपाउंड में हम लोग हर प्रकार के खेल खेलते थे इस एक आ, उस कंपाउंड में मतलब हर प्रकार के खेल हम लोग खेल सकते थे लेकिन एक साथ एक गेम से दूसरे गेम एक गेम से दूसरे गेम एक एक गेम में आउट हो गया तो हम लोग इसी दूसरे गेम में जाके शामिल करते थे तो इस तरह हम लोग बहुत खेलते थे बहुत एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे पर प्रॉब्लम यह था कि हमारे आ, पुराना जमाना में हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट नहीं था नाइनटीन नाइनटीज के बाद ही हर गांव में ट्रांसपोर्ट शायद आप पूछे हैं और अभी तक भी कई गांव है जिसमें एक अच्छा ट्रांसपोर्ट मिलना उनके लिए सिर्फ एक सपना है बहुत सारे गांव है जैसे जो मैंने बताया था ना खराश के खनोंग के वहां भी बहुत ही डिफिकल्ट है बहुत ही आ, मतलब पॉसिबल है लेकिन बहुत ही डिफिकल्ट है वहां पर रास्ता पहुंचना ट्रांसपोर्टेशन पहुंचना तो क्या होता है कि जब जब रास्ता नहीं था ट्रांसपोर्टेशन नहीं था हमारे यहाँ तो लोग एक खो और स्तार लेके अपने अपने खेत में जो उगते हैं जैसे कि अनानास हो जैसे कि याम हो और हर प्रकार जो अपने अपने खेतों से जो उगता है वो अपने सिर में उठा के तीन चार घंटा ही नहीं पांच छह घंटा वो चल के जाते थे बाजार में पहुंचने के लिए हम हम लोग तो बॉर्डर में रहते ना तो कई सामान जो है हम लोग वो बांग्लादेश में पहुंचा रहे थे वो लोग पैदल 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 चल के जाते थे इट्स वेरी लॉन्ग ट्रैक उनके लिए पर उनको एक एक, एक आदत से भी हो गए हैं और ऑप्शन भी नहीं था तो वो लोग ऐसे ही रहे थे जो उगते थे जो अपने खेतों से लेकर जाते थे बाजार से जो सामान खरीद कर लाए वो इसी तरह अपने सिर में उठा के घर में पहुंचा देते थे और उसी के साथ साथ में वो लोग गाना भी गाते थे और एक दूसरे को छिड़ाना मजाक करना उनकी तरह उनके इसी तरह उनका जो जीवन है वो इसी में बीत जाते हैं और तब इतने दूर इतने डिस्टेंस में जाना आना और जंगल भी घेरित है नदियां है उतार चढ़ाव है फिर भी वो लोग जाते थे लेकिन एक दो आदमी नहीं जा सकते थे साथ में जाते थे दस पंद्रह लोग साथ में जाते थे और ऐसे भी होता है कि मैंने सुना है मेरे दादाजी से कि वो बता रहे थे कि हमारे उनके बीच में वही पर चलते चलते बातों करते कर बातें करते करते उनको एक दूसरे से प्रेम हो जाते हैं एक दूसरे से मिल जाते हैं तो इस तरह उनका लाइफ बहुत बढ़िया चल रहा था बहुत इतना मुश्किल उस उर, इतना मुश्किल कंडीशन में रहकर भी वो लोग बहुत खुश हैं और नेचर के साथ रहते बहुत एंजॉय करते थे तो मुझे अभी तक याद है जब मैं छोटी थी तब तब भी हम लोग एक शिलोंग जाने के लिए भी एक ही बस होते थे एक बार मिस हो गया तो मतलब मिस हो गया आप कहीं नहीं नहीं जा पाओगे क्योंकि एक ही था अवेलेबल है तो जल्दी उठना पड़ता था जल्दी तैयार करना पड़ता था एक बस को पकड़ने के लिए तो मुझे मुझे पूरा यकीन है कि आप जानना चाहेंगे कि हम लोग क्या खाते हैं ट्राइबल्स के लोग क्या खाते हैं क्या पीते हैं कैसे रहते होंगे हाँ हमारे खाने पीने को भी रहन सहन में भी बहुत ही हम लोग नेचर के बहुत करीब रहते हैं तो उसी से जो मिलता है उसी से जो अवेलेबल है जो जंगली सब्जी है फल है जो उस क्षेत्र में अवेलेबल है वो हम हम लोग खाते हैं तो मांस मछलियां हम लोग खाते खास करके त्योहार के टाइम पे और हमारे खास खाना जो है वो ज्यादा बाई और, और के जो सीड्स हम लोग उसको तुमसेंग बोलते हैं तो वो हम लोग बनाते थे चटनी अच्छी तरह से बनाते थे उससे तो ये हमारा मेन मुख्य खाना है राइस जाना खाते थे प्राचीन काल में लोग कैसे रहते थे कि आ, अपने खेत में जो उगते हैं ज्यादा से ज्यादा वो लोग अब एक अरबी अरबी यानी वो तोरो, स्वीट पटोटो उसी से खाते थे उसी से जीते थे वो लोग तो वो ही खाते थे तो जो अपने यहाँ उगाते हैं वही खाते हैं लोग जुआर बजरा हल्दी अदरक जो डेली यूज के लिए उनका रहता है वो वो लोग वही उगाते हैं और वही खाते हैं तो जो आपको पता होगा वो मिलेट्स मिलेट्स जो रहता है उतना ही नहीं हमारे यहाँ भी पुराने जमाने में क्या होता था कि उसको मिलेट्स को पीस करके आटा बनाते हैं और उसे खाते थे किसी किसी चटनी के साथ या किसी मांस के साथ मछलियों के साथ वो खाते थे वही खाते थे वो ही ज्यादा से ज्यादा वो लोग उसी से जीते थे आलू बाद में आ, आता है बाद में मतलब एटीस में एटीस में वो आ, उनको मिलता है तो क्या है ये हमारे हमारे जोवार मिलेट्स में क्या खासियत है मेघालय के लोग हमारे पुराने लोग क्या करते थे कि मिलेट से उसको पीस करके और एक थ्यात करके थ्यात याने वो इंटॉक्सिकेट करते हैं इंटॉक्सिकेशन के लिए यूज करते हैं वो मिला के जवार के साथ मिला के उसको एक लोकल शराब बनाते हैं तो उस शराब जो उसका उ, उसका बहुत बड़ा लंबा प्रोसेस है मैं उसे उसका मैं बाद में डिटेल्स में बताऊंगी जब भी मौका मिलेगा आप आपसे बात करने का फिर से तो वो बहुत लंबा प्रोसेस है ठीक से बता दूंगी तो उसका जो सबसे पहले बोंद है स्टीम स्टीम करते हैं बॉइल करते हैं वो जो उ, उसे जो भाप निकलता है उसका सबसे पहले बूंद जो गिरता है वो वन ऑफ द मेडिसिन आजकल भी हमारे हर्बल ट्रीटमेंट के लिए हर्बल जो ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए उसका बहुत उपयोग करते हैं और बहुत ही अच्छा है बहुत ही टेस्टी भी था मैंने भी टेस्ट किया <laughs> लेकिन आजकल लोग चावल से ही बनाते हैं वो कहाँ मिलता है आजकल बहुत कम मिलता है तो आजकल के लोग चावल से बनाते हैं और आपको मतलब सरप्राइज होगा कि मैं ये खास करके क्यों बताती हूँ क्यों बताए है मैंने इसलिए बताया है क्योंकि ये इट्स शराब जो है लोकल शराब जो है वो इट्स अ पार्ट ऑफ आर रिचुअल्स उसके बिना हम लोग अपना रिचुअल्स कंप्लीट ही नहीं कर सकते जैसे कि फनरल्स में फनरल्स में उसके बिना हम लोग किसी की डेथ सेरेमनी करना है तो जितना गंगा जल हिंदुओं के लिए जरूरी है उतना ही हमारे लिए शराब बहुत जरूरी है इसलिए अभी तक हम लोग उसको बैन भी नहीं कर सकते क्योंकि हम ही उसे रिचुअल के रूप में अपने संस्कृति के हिसाब से हम लोग उसको आ, उपयोग करते आए हैं तो इसलिए हम लोग उसको उसका उपयोग करते हैं उसका अभी तक भी बनाना चलते है कोई किसी किसी गांव में लेकिन बहुत कम मिलता है पहले जमाना में ये कहा मिलते थे उन लोगों को सिर्फ अपने पेट भरने के लिए भी बहुत कम मिलता था तो बहुत ही बहुत ही कॉस्टली था लेकिन क्या हुआ जब ब्रिटिश आया अंग्रेज आए हमारे यहाँ तो उन्होंने क्या किया खासी के लोगों के साथ गारो के लोगों के साथ और जातिया यानी ट्राइबल्स लोगों के साथ लड़ना है तो इट्स इम्पॉसिबल वो लोग हर चीज में इतना होशियार है इतना आ, अच्छी तरह से फाइट कर सकते थे ब्रिटिश में हर आर्म्स में वो यूज कर सकते थे इस्तेमाल कर सकते थे तो उनको एक प्रॉब्लम खड़ा कर दिया तो उन्होंने क्या किया हर एक यूथ को ये जो शराब है लोकल शराब, फ्री ऑफ़ कॉस्ट में दे दिया तो वो लोग उसी में उसी नशा में खो जाते थे तो वो ब्रिटिश फाइट कर सकते थे उनको आसानी से मतलब हरा सकते थे तो इस प्रकार मतलब हमारा एक जो संस्कृति है हमारे परंपरा है हमारे रिचुअल्स है उनके सामने एक मजाक बन गए हैं अभी तक भी मतलब यूज यहाँ के लोग वही यूज करते हैं वही खाते हैं पीते हैं तो सबसे बड़ा और सबसे अनूठा जो हमारे संस्कृति में है हमारी परंपरा में है वो एक खासी के दरबार दरबार एक ऐसी जगह है जहां गांव के रिप्रेजेंटेटिव अपने अ कुछ भी हो एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए वो उसी में जाते थे साथ में आ, हर एक हर एक घर से जो रिप्रेजेंटेटिव है वो उसमें आके रिप्रेजेंट करेंगे अपने घर से तो उस उसके जो मुखिया है हेडमैन कहते हैं गांव के हेडमैन गांव के गांव के मुखिया कहते हैं उसको उनको तो उसमें सारे जो भी प्रॉब्लम्स है जो भी समस्या है जो भी कुछ भी हो अच्छा हो या बुरा तो सबसे पहले वो लोग अपने दरबार में लेकर आते हैं उस उसकी इस उसके अंदर ही जब विचार विमर्श किया जाता है उसको सारे विषय समझाने के समझने के लिए आते थे और जैसे अपने डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक सिस्टम है तो खासी के लोग यानी अपने ट्राइबल्स के लोग वो डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक थे पहले जमाने से ही और अभी तक भी वो उसी को फॉलो करते हैं तो क्या है इस इस दरबार में खासियत क्या है खासी में जो कहते हैं कि दरबार यानी उस दरबार में हर कोई आता है जो समस्या लेकर आता है जो अः अच्छा हो या बुरा जो उसमें लेकर आते हैं तो आ, मतलब हम लोग ऐसे विश्वास करते हैं कि इसमें भगवान भी रहते हैं जिस जगह में हम लोग बैठे हैं वो उसी में भगवान भी होते हैं तो दरबार ब्लई कहते हैं क्योंकि एक बार उसमें जुबान दे दिया वचन दे दिया तो वो हम लोग कभी तोड़ नहीं सकते इस तरह और खास बात यह है कि इस दरबार में जो है वो रंग जो रहते हैं गांव के मुखिया जो रहते हैं वो उनको नॉमिनेट किया जाता है और जब तक जब तक उनके खिलाफ कोई कंप्लेन ना हो कुछ भी उनके अगेंस्ट कॉम्प्लेन्स हो या कुछ भी Uh, any other issues, नहीं रहता है। तब तक वो uh, गांव के मुखिया ही रह सकते हैं कोई उसे निकाल नहीं सकते वो वॉलंटरी रिसाइन कर सकते हैं वॉलंटरी डिक्लेयर कर सकते हैं कि मैं ये uh, और नहीं कर सक कर पाऊंगा क्योंकि उसमें वॉलंटरी सर्विस है वॉलंटरीली आके सब Uh, काम करते थे वहां पर उस दौरबार में उस मिलन uh, uh, में तो रिसेंटली uh, एक uh, गांव के मुखिया है फिफ्टी इयर्स वो एक उसी गांव के मुखिया बने हैं और अभी तक भी बने हैं तो इस तरह जब तक वो रिजाइन नहीं करते जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं रहता वो कंटिन्यूसली ऐसे ऐसे फ्री सर्विस सर्विस देते थे लोगों को तो इस दरबार के बारे में तो मैं मैंने सिर्फ पॉइंट दिया सिर्फ इंट्रोड्यूस किया उसको अगर हम समझने की कोशिश करेंगे स, न, समझने के को चाहेंगे तो उसको और विस्तार में हम लोग बातचीत कर सकेंगे डिस्कस कर सकेंगे क्योंकि ऐसे एक दो घंटे में नहीं होता तो आ, अपनी संस्कृति अपने परंपरा के बारे में मैं यही खत्म करूंगी पहले तो अभी हम लोग महापुरुष के बारे में जाएंगे क्योंकि महापुरुष के बिना हम लोग किसी राज्य किसी ट्राइब्स में वो शायद कंप्लीट ही नहीं होते हर कोई चा, चाहेंगे कि ये लोग हमारे अः फ्रीडम फाइटर्स को हमारे महापुरुष को जाने तो मैं भी चाहूंगी कि आप लोग महापुरुष को जाने मैं करूंगी जारा से जारा जो कि फ्रीडम फाइटर हैं तो और बाकी अन्य है एक दो जैसे समय मुझे परमिट करता है ऐसे तो क्या तीरथ सिंह जो है वो एक राजा थे मेघालय में करके उनका उनका राज्य था था उसमें वो राज करते थे जन्म में ऐसे कुछ हुआ था क्योंकि वो बारह साल बारह साल के उम्र में उन्होंने अब उनकी जो मामा जो रहते उनके देहांत के बाद उन्होंने ये राजा के पद संभाला उन्होंने बारह बारह साल के उम्र में तो उनके माँ का नाम थे इमली और उनके पिताजी खैन तो क्या हुआ था जब तीरथ सिंह तीरथ सिंह बहुत ही नटखट लड़का था ऐसे बता दिया गया था कि वो आर्चरी में एक्सपर्ट थे और वो अपने ट्रेडिशनल डांस जब रहता है हमारे ट्रेडिशनल डांस रहता जो हाथों में तलवार लेके वो नाचते थे वो बहुत उत्तम से नाचते थे बहुत बहुत ही सुंदर नाचते थे और कहते हैं कि किसी का इयर जब वो निकालना चाहेंगे तो बिना किसी के नुकसान पहुंचा के उस पर्सन को वो निकाल सकते थे किसी की इर को भी तो इस तरह वो बहुत ही होशियार था बहुत ही टैलेंटेड था तो जब तक इस उनके राज्य में जब तक ब्रिटिशर्स नहीं आए थे तब तक वो सब सुख शांति से जीते थे लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे, थे लोग क्या हुआ कि फर्स्ट नवंबर नाइनटीन में उनका मुलाकात मतलब डेविट्सट से हुआ था डेविट्सकट एक ब्रिटिश uh, ब्रिटिश का ऑफिसर है जो आसाम में बसता था तो uh, राजा का अपना जमीन था में कमरूप डिस्ट्रिक्ट में तो वो वहां जाते थे मिलते तो इस तरह उनका uh, मुलाकात हो जाते थे तो तीन तीन दिन के लिए उन्होंने डेविडस्कर को बुलाया तो डेविडसकर ने इतना सुंदर जगह इतना पहाड़ियों है पहाड़ियों नदियाँ और सब वो हमारे उनके राज्य को देखकर कर तीरथ सिंह के राज्य को देखकर वो एकदम फिदा हो गए थे तो क्या किया उसने दबित ने तीरथ सिंह को रास्ता बनाने का प्रस्ताव रखा तो जैसे कि मैंने कहा कि कोई भी प्रॉब्लम हो कोई भी अः अच्छा हो या बुरा खबर तो पहले हमको दरबार में लाना पड़ेगा पहले दरबार में डिस्कस करना पड़ेगा तो इस तरह तीरथ सिंह ने भी अपने प्रजा को सुनाते थे और सबको दरबार दरबार में बुलाया और बहुत विचार विमर्श के बाद सोच समझने समझ कर उन्होंने अंग्रेजी को रास्ता बनाने दिया जो रास्ता बनाते वो कमरूप से सिलहेत तक बांग्लादेश तक जो अभी के बांग्लादेश में वहां से पास होकर वो सिलहेत तक पहुंचने के लिए वो रास्ता बनाना था को तो डबिस्कट ने तीरथ सिंह ने उनके साथ अग्रीमेंट किया और उस अग्रीमेंट का सिर्फ नंबर ही मुझे मिला है नंबर है फिफ्टी एट में एल एट लिखा है तो फिफ्टी एट का मतलब होता है तो ये एक अग्रीमेंट उन्होंने साइन किया था उन्होंने दबित के साथ साइन किया था और इस अग्रीमेंट में खासी के लोगों ने यानी तीर्थ सिंह ने उनको जो भी सामान लगेगा हर चीज की मदद करने की वादा किया था लेकिन क्या हुआ जैसे ही ब्रिटिशर्स आने लगे के लोग आने लगे वो रास्ता बनाने लगे तो महिलाओं बच्चों बुढ़ो उनको असुरक्षित महसूस करने लगे वो लोग मतलब सेफ नहीं होंगे नहीं होते क्योंकि ब्रिटिशर्स तो आपको पता ही है जब उनका शासन होता था हमारे भारत में किस तरह अत्याचार करते थे तो अः तीरथ सिंह प्रजा ने जाके उनको कंप्लेन किया बता दिया कि ऐसा है वैसा है तो तीरथ सिंह ने भी कोशिश किया को बताने के लिए, समझाने के लिए लिए समझाने लेकिन वो रहा था कई दिन बीत गया तो क्या हुआ तीरथ सिंह को अपने लोगों को इस तरह दुखी नहीं देखना चाह देख सकता था तो उन्होंने फैसला कर लिया कि चाहे कैसे भी हो हम लोग उस पर हमला करेंगे डेबिस्कर में हमला करेंगे और तो और वहाँ के लोगों को खासी के लोगों को जिन्होंने कभी टैक्स ही पे नहीं किया उन पर टैक्स इम्पोज कर दिया गया है तो ये एक उनके लिए एक बहुत ही दुखी के बात है बहुत गुस्सा आते थे लोगों को उस आ, उसके ऊपर तो तिरोज सिंह को भी आ, समझ में आया उनको समझ में आ गया कि नहीं हम लोग इस डबिस्कट के अंदर डबिस्कट के साथ हम लोग नहीं आ, काम कर पाते एक साथ काम नहीं कर पाते तो क्या हुआ कि तीरथ सिंह और अपने साथी और जो पिताजी है मनभूत लौशन जराइन उनके नेतृत्व में उन्होंने फर्स्ट अप्रैल को 1829, 1st फर्स्ट अप्रैल 1829 को एक सरकारी कार्यालय ब्रिटिशर्स की कार्यालय में अटैक किया था और उसमें सबसे पहले रिवोल्ट इसे कहते हैं कि नौखलाव रिवोल्ट कथमा नौखलाव तो सबसे पहले उन्होंने सिक्सटी वर्कर्स जो ब्रिटिशर्स के उनको मार डाल दिया था मार दिया गया था लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो डेविड स्कट वहां से बच के भाग गया तो हमारे जो रिवोल्ट है वो 1829 में ही शुरू शुरू हो गया था तीरथ सिंह के नेतृत्व में तो ये शायद पूरे भारत में भी एक फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसे कहते हैं ये हम लोग उसे कह सकते हैं कि हमारे uh, अंग्रेजी से अंग्रेजी के खिलाफ जब लड़ाई शुरू किया फर्स्ट टाइम वी किल्ड द ब्रिटिशर्स

दिया था उनको सावधान किया था कि डबिट्सकर ऐसे 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 कर सकता है और वो किसी भी किसी समय भी आके हमको हमारे ऊपर कब्जा कर सकता है तो ये जो तीरथ सिंह का और डबिटकर के खिलाफ लड़ाई करना वो चार साल तक चलते रहे क्या हुआ कि जितना साल बीत गया तो तीरथ सिंह को थोड़ा प्रॉब्लम uh, हो गया तो वो जाके जंगल में रहने लगा और अंडरग्राउंड से फाइट करने लगा किसी गुफा में जाके रहने लगे ताकि वो अपने, uh, जो फाइट से वो अपने जो कंटिन्यू कर सके तो अभी तक भी उस केव को वो किसी वेस्ट खासी हिल्स के तरफ है तो उसमें अभी तक भी उस गुफा को हम लोग तीरथ सिंह एम के गुफा से ही माना जानते हैं तो 13 जनवरी 1833 को टीरत सिंह ने फंसाकर अंग्रेजों ने फंसाकर टीरत सिंह को बता दिया था कि हम हम लोग समझौता करेंगे एक अग्रीमेंट कर लेंगे उसके ताकि हम लोग पीस अग्रीमेंट कर लेंगे लेकिन उन्होंने क्या किया टीरत सिंह को वहां से उठाकर पकड़ लिया उस जंगल से उस जंगल से तीरथ सिंह एक डिसाइडेड प्लेस में जाके मिला ब्रिटिशर्स से डेविड स्कॉट और आ, उनके ऑफिसर्स से तो मिलने के बाद समझौता के वजह उन लोगों ने तीरथ सिंह को अरेस्ट कर दिया और उनको लेकर गए हैं ढाका में धक्का यानी अभी जो बांग्लादेश में तो वहां पर लेकर गए थे तो उनका तिरथ सिंह का तिरथ सिंह इम का भी वहीं पर देहांत हुआ उनका डेथ वहीं पर हुआ जेल में कई बार दविद कर ने अपने लोगों के थ्रू से तिरथ सिंह को बताया कि हम लोग समझौता करेंगे तुम आके अपने राज्य में शासन करो रूल्स करो पर तुम हमारे अंदर ही रूल्स करोगे हमारे अंदर हम जो जो ऑर्डर देंगे उसको पालन करना पड़ेगा तो तीरथ सिंह ने साफ साफ इनकार कर दिया मरते दम तक उन्होंने इनकार कर दिया और उनका आखिरी वर्ड्स था उनका कहना था कि कि मैं राजा के रूप में राजा बनकर ही मैं मर जाऊंगा लेकिन किसी की गुलाम नहीं बनूंगा और मरने से पहले उन्होंने ये कहा था कि जब भी मेरे देश में जाओगे मेरे राज्य में जाओगे तो मेरे लोगों को बताना कि तुम मैं राजा बनकर ही मर मर गया तो इस तरह अपने तीरथ सिंह शहीद हो गई वो वो भी परदेश में किसी किसी अपने घर से दूर वो मर गए थे तो के इतना वीरता और इतना वो अपने देश के लिए जो प्रेम है वो कितना प्रेम है कि वो अपना मतलब सिर्फ एक, शासन के लिए, एक खुर्शी के लिए उन्होंने अपने आ, अपने आप को समर्पित नहीं किया तो बल्कि वो अपने देश में अपने देश को इतना प्रेम करते थे कि कोई भी कीमत उसे चुका नहीं सकते थे तो इस तरह तीरथ सिंह का एक महापुरुष का हो गया तो मैं चाहूंगी कि के बारे में भी मैं थोड़ा सा बता दू क्यांग एक साधारण परिवार से था क्योंकि मार्च 1835 को अंग्रेज ने चैंटिया हिल्स में प्रवेश करने का मौका मिला जब तक जब आ, 1835 से 1859 तक उन्होंने किसी प्रकार के भी इंटरफेयर नहीं किया लेकिन इन, 19 1859 1859 की खत्म होने के बाद ही 1859 तक ही तक उन्होंने सारे सारे काम में इंटरफेयर किया जैसे उनको लोगों पनार लोगों के ऊपर जो है वो टैक्स भरना पड़ेगा घर का और हर महिला हर पुरुष सुरक्षित नहीं रह सकते ब्रिटिशर्स के शासन में उन्होंने हर हर जगह इंटरफेयर करने की कोशिश किया फनरल्स में हो रिचुअल्स में हो फेस्टिवल्स में हो इतना 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 उनका इंटरफेयर था कि कंगनंग को सह नहीं सकता था तो क्या हुआ एक यालोंग करके के एक गांव है जहां पर चारपस्ती, चारपस्ती जो तलवार और ढाल लेके नाचते हैं लोग उनका रिचुअल्स है जो मिंतु नदी के पूजा रहता है हर साल पूजा रहता है यलौ में तो क्या हुआ ब्रिटिशर्स के लोग ब्रिटिश के लोग आके वो सब चीन लिया और कह दिया कि तुम लोग पूजा नहीं कर सकते तुम लोग ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते क्या क्या नहीं कर सकते तो क्या मांग मन में इतना गुस्सा आया कि उन्होंने उसी उसी अगले दिन में सारे डोलॉ डोलॉ मतलब जो मुखिया रहता है जो राजा के राजा के बराबर ही है उनका पथ भी तो उन सबको बुलाया सिंटुक्सर में अभी तक अः क्या नाम के जो मेमोरियल से वो सिंटुक्सर में खड़ा कर दिया है तो वहां पर सबको बुलाया तो बाद में दरबार होने के बाद ये डिसीजन आया कि हम लोग उसे लड़ेंगे ब्रिटिश से लड़ेंगे तो कौन उसका नेतृत्व करेंगे वो लोगों ने तय किया है क्या नाम उस, उसका नेतृत्व करेंगे तो उन्होंने ले लिया अपने जिम्मेदारी तो कई दो साल तक उनका लड़ाई हुआ ब्रिटिश से बाद में उनको पता चला कि नहीं हम लोग ब्रिटिश के खिलाफ नहीं लड़ सकते थे तो ये लोग भी क्यानांग भी अंडरग्राउंड में चले गए अंडरग्राउंड से लड़ने लगे ब्रिटिशर्स से वो <coughs> तो कई दिन ढूंढते 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 क्यानांग को मिला ही नहीं ब्रिटिशर्स को तो उन्होंने क्या किया वन थाउजेंड रुपीज का रिवॉर्ड दिया उनको जो भी बता सकता है कि क्यांगनंबा कहा है, तो उसको 1000 रुपीस मिला है क्या हमारे देश में कैसे के, कैसे लोग रहते हैं तो क्या एक दौलाई तंग कैर करके है जो दौलाई है वो उन्होंने बता दिया कि क्यांगनंबा इसी इसी जगह में है और वो बहुत बीमार थे 27 दिसंबर 1862 को क्यांगनंबा किसी Uh, किसी उमखराई गांव uh, uh, से जो नारत से ट्वेंटी फाइव किलोमीटर दूर है ऐसे बता दिया गया है कि uh, एक लेफ्टिनेंट सडलियर उन्होंने पकड़ लिया था उन्होंने आप, uh, और उनके लोगों के साथ उनको पकड़ लिया तो ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी नाइन उसी साल दो दिन बाद उनको जवाई में लेकर आए बिना किसी सुनवाए बिना किसी का आ, आ, वो कहते हैं ना राइट ऑफ बी वो दे, बिना किसी कंसिडरेशन किसी उन लोगों ने थर्टी दिसंबर को उनको फांसी में चढ़ाया है तो लोगों को लोगों को बहुत गुस्सा और बहुत बहुत ही दुख हुआ था कि उनको पकड़ लिया और किसी अपने लोगों में से ही उन, उनको बेच दिया सिर्फ वन थाउजेंड रुपीज के लिए हमने एक क्रांतिकारी खो दिया तो क्या हुआ क्या नंबर के क्या नंबर जब उस फांसी में चढ़ने वाले थे अपने लोगों के आंसू देखकर उनके दुख को देखकर उन्होंने जाके कहा कि मेरे मरने के बाद आप लोग मेरे सिर को देखना यदि मेरे सिर इस की तरफ इसका मतलब कि साल के अंदर हमको आजादी मिलेगा यदि मेरा सिर वेस्ट की तरफ मुड़े तो हम कभी भी आजाद नहीं हो सकते तो उनको फंसी में चढ़ाया मरने के बाद जब उनका बॉडी निकाला गया तो देखा कि उनका सिर जो है वो इसमें इसलिए हम हमको 15 अगस्त 1947 को आजादी मिला तो क्या नंग के फसी के बाद भी बहुत लड़ाई चल रहा था बहुत आ, किसी और के नेतृत्व के अंदर लड़ाई कंटिन्यू था और अभी तक भी जो फांसी चढ़ाया क्या को वो आप में करके है वो उसमें आप जाके देख सकते हैं उसको खुद से ही आप देख सकते कितना दर्द भरी कहानी होंगी उसमें तो इस तरह क्या भी शहीद हो गए दूसरा हमारे घरों पहाड़ से एक पातोगन संगमा करके है वो पातोगन संगमा उन्होंने अंग्रेजी से लड़ाई 18, 1872 में अनफॉर्चुनेटली वो उसी में खायल हो गया और उसी में चले गए गए शहीद हो तो इस तरह उनका जरा इनफॉर्मेशन भी हमको जरा नहीं मिल नहीं मिला फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे उनको फिर से उनकी कहानी को और बढ़ाने के लिए और हम लोग ज्यादा रिसर्च करेंगे उस, उनके बारे में भी तो और मेरा आखिरी महापुरुष जिसे मैं बताना चाहूंगी वो है बाबू बनराय रॉय बाबू 1838 रॉय में उनका जन्म हुआ था उनका माँ का नाम था लकड़े मायरम और उनके पिताजी का नाम थे राम सिंह रानी तो वो शेला के रहने वाले हैं बाबू बनराय रॉय को शिक्षण यानी एजुकेशन उनको इतना अच्छा से नहीं मिला था बहुत कम तक ही उन्होंने पढ़ाई किया तो क्या हुआ फिर भी एजुकेशन कम होने के बावजूद भी उनको असामीस बंगाली संस्कृत हिंदी और अन्य भाषा बोलने को आते थे लिखने को भी आते थे तो उनकी ये जो स्मार्टनेस और टैलेंट देखकर अंग्रेज ने अंग्रेज को बहुत प्रभावित हुआ उन्होंने क्या किया उनको एक सरकारी नौकरी दे दिया तो वो सबसे पहले खासी है जो सरकारी नौकरी में आ, काम काम मिला है सरकारी नौकरी मिला है उन्होंने बहुत सपना देखा अंग्रेजों शासन में बहुत सपना देखा बहुत अपने लोगों के फ्यूचर के बारे में अपने कैसे आजादी प्राप्त करना है उन्होंने बहुत देखा बहुत सोचा लेकिन वो तो सिर्फ एक सरकारी नौकरी है सर, सरकारी नौकर है एक पब्लिक सर्वेंट है गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उन्होंने क्या किया लोगों की अर्थव्यवस्था के इम्प्रूवमेंट करने के लिए उन्होंने उनका इकोनॉमिकली एंड हर प्रकार की जो एम्पावरमेंट है उनको समझ में आ गया कि उनको खुद खुद से अपने पेड़ में खड़ा होना पड़ेगा तो उन्होंने क्या किया लोगों को आलू और फल कॉफी ये सब अपने अंगन में अपने खेत में उगाने के लिए सिखाया था तो 1836 में क्या हुआ उन्होंने रिक प्रेस रिक प्रेस जहां से हर बाद में हर प्रकार के बुक्स उसी प्रिंटिंग प्रेस से आ, प्रिंट किया जाता है तो उन्होंने ये रिखा सी प्रेस स्टार्ट किया वो भी शिलोंग में जयाओ शहर में शिलोंग शहर में जयाओ जयाव करके है और महिलाओं को एम्पावर करने के लिए इंस्पायर करने के लिए क्या किया उन्होंने अपने बेटिया उनको उसी प्रेस में काम करने को दिया तो उनका अपना लाइमस्टोन का बिजनेस भी था जो शिलौ और सिलहट में ट्रांसपोर्ट करते थे लेकर जाते थे अंग्रेजों को उनका ये सफलता देख के बहुत मतलब बहुत नाराज थे उन्होंने अपने खासी के लोगों को जो घोड़ा गाड़ी इस्तेमाल करने के लिए सिखाया क्योंकि वो सौरा से शिलोंग शिलोंग से गुवाहाटी ऐसे सफर करते थे तो उन लोग उन्होंने अपने लोगों को ये सिखाया कि पैदल चलने के बदले यही तरीका अच्छा है कि हम लोग घोड़ा गाड़ी से ट्रैवल करेंगे तो इस तरह उन्होंने सबसे पहले ये भी सिखाया अपने ट्राइब्स के लोगों को वे एक शिलोंग टाउन कमिटी शिलोंग टाउन कमिटी जिसमें सारे ब्रिटिशर्स हैं और अन्य जाते के लोग सिर्फ रहते हैं, वो एकमात्र एकमात्र खासी है जो जो इस कमिटी में मेम्बर बने हैं उन्होंने कई किताब लिखे हैं, का रामायण का चैतन्य चरितम चरित्र अमृता का बुद्धा चरित्र और उनका हित उपदेशा जो उपदेशा जो एक से नंबर चार तक उन्होंने लिखा था 1858 में जब वेल्स वेल्स जो आते हैं मिशनरीज उन्होंने स्कूल खोला उन्होंने उस स्कूल में ऐसे सब्जेक्ट डाल दिया है सारे के सारे सब्जेक्ट वही डाल दिया है जो अप, अपने रिलीजन के ऊपर अपने फिलोसफी के ऊपर जो सिखाया जाता है तो वो उन्होंने वो किया उन्होंने बहुत विरोध किया उसका लेकिन फिर भी आ, मतलब आ, किसी ने उनको ही नहीं था किसी ने उनको उनके बात नहीं माने तो उन्होंने अपने एक स्कूल खोल दिया अपना स्कूल खोल दिया जिसमें खासी के लोग अपने परंपरा अपने संस्कृति सीख सके उसी में उसी स्कूल से उसी स्कूल में जाके पढ़े तो 1899 में 23 नवंबर 23 नवंबर 1899 में उन्होंने एक संगठन जो खासी सनातन धर्म के लोगों का संगठन उन्होंने ये फॉर्म किया उन्होंने इंस्पायर किया फॉर्म करने के लिए तो उनके जो बच्चे हैं उनके जो आसपास के क्रांति के क्रांतिकारी थे जो उनके साथ थे उन लोगों ने ये सिंघास स्टार्ट किया है जो अपने कल्चर अपने आइडेंटिटी अपने संस्कृति अपने परंपरा को पूरा उनका प्रिजर्व कर सके नर्चर कर सके तो उन्होंने इसलिए ये सिंघासी फॉर्म किया है उन्होंने इंस्पायर uh, किया है लोगों को कि हमको अपना संगठन अपना एक संगठन जो अपने कल्चर अपने आइडेंटिटी uh, को प्रिजर्व कर सके तो उनको अपना फादर ऑफ द मॉडर्न खासी फादर ऑफ द मॉडर्न खासी से भी जाना जाता है उनका देहांत हुआ है 16 मई नॉट थ्री में हुआ था तो इस प्रकार हमारे देश में भी कई 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 क्रांतिकारी है कई महापुरुष है जिसे हम विस्तार में डिस्कस कर कर सकेंगे अगले अ मीटिंग में अगले बार जब हम लोग मिलेंगे तो उसका पूरा डिस्कस कर कर पाएंगे इसी तरह मैं अपने भाजन खत्म कर दूंगी सबको नमस्ते

लेकिन जैसे मैंने कहा था ना कि हम लोग पहले घर में डिस्कस करते हैं पहले हम लोग डिसीजन लेते हैं घर के बड़ों घर के मामा पिताजी अच्छा। माँ उन सबसे डिस्कस करके फिर निर्णय तो हम खुद ले सकते हैं लेकिन सबके अच्छा। साथ मतलब सबको बताना चाहिए सबको पता होना चाहिए कि हाँ मेरा आ, ये मेरा प्रॉपर्टी है मैं ये करने वाली हूँ वो करने वाली हूँ तो अभी तक भी वही चल रहा है कि हम पहले डिस्कस करेंगे पहले एक दूसरे को समझाएंगे जबरदस्ती तो नहीं कर सकेंगे सबको पता होना चाहिए कि मैं ये करने वाली हूँ इसके साथ इस तरह जी हाँ जी हाँ बिल्कुल और कुछ मैम यू पॉइंटेड आउट नहीं और कोई क्वेश्चन

Next Sunday, we will be conducting another live session with another speaker. That's all for today. Namaskar. Ki